शामली का श्रम विभाग बना दलालों का अड्डा। लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस के अधिकारियों ने उड़ाई खुलकर धज्जियां। अधिकारी ही खुद उड़ा रहे लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। आम आदमी से क्या रखे उम्मीद, अधिकारी कर्मचारी नहीं करते बिना पैसों के कार्य। पूरा मामला जनपद शामली का है, जहां श्रम विभाग शामली दलालों का अड्डा बन चुका है। कर्मचारी बिना पैसे लिए काम नहीं करते, जो कर्मचारियों को पैसा देता है उसी का काम होता है, वरना सबका काम पेंडिंग पड़ा रहता है। बताते चले कि श्रम विभाग के कर्मचारियों ने 3 साल पुरानी फीस भी नहीं की अपलोड। सिर्फ और सिर्फ फीस की स्लिप थमा दी जाती है, लेकिन नेट पर कोई फीस अपलोड नहीं की जाती। वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि पूरे देश में कोरोना वायरस जैसी राष्ट्रीय महामारी को लेकर लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, मगर अधिकारी व कर्मचारी लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। इस मामले में जब श्रम विभाग अधिकारी से लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की बात कही जाती है, तो अधिकारी व कर्मचारी दोनों बदतमीजी से पेश आते हैं। अब जब प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी ही लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़वाएंगे, तो आम आदमी से क्या उम्मीद रखी जाए कि वह लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस का पालन करेगा। सबसे बड़ी बात यह देखने की है कि सरकारी काम में अगर किसी चीज की फीस जमा होती है तो उसको तुरंत वेबसाइट पर चढ़ाया जाता है, मगर श्रम विभाग एक ऐसा विभाग है जनपद शामली का जिसमें 3 साल पुरानी फीस भी अभी तक अपलोड नहीं है। खाली स्लिप हाथ में दे दी जाती है, फीस नहीं जमा की जाती। ब्यूरो रिपोर्ट। आप श्रम विभाग में आए हो, क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है, काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। किस तरह का? ये देखो 2 घंटे हो गए मुझे स्लिप दे रखी है, कहा था कि चलान ले लो आप जाके, जो ऑफिस में बैठे ना बड़े बड़े अधिकारी, और वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो गाड़ी ले गए हुए हैं। किसकी? लगभग मुझे 2 घंटे सर वो बड़े अधिकारी, गाड़ी क्या नाम है उनका, लेबर इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर की, और ये 2 घंटे से ले घूम रहा हूँ, कम से कम ज़्यादा ही हो गया होगा। आपने फीस जमा करा दी इसकी? फीस तो बहुत पहले की जमा कर रखी, चढ़ाने रखी मेरी फीस। भाई सब लोगों ने क्या बोल रहे हैं, फीस जमा करा रखी तो 2-3 साल की स्लिप ले रहे, किसी की भी अपडेट नहीं है। ये मेरी स्लिप है जी, दूसरी कहाँ है, 18 की स्लिप है जी मेरी, 2018 में मैंने जमा करी थी, 2021 तक की दिखा रहा है ये, और अपडेट नहीं है। तो वे बोल रहे कि आपकी फीस जमा नहीं है जी, कह रहे हैं फीस जमा नहीं हो रही है, मेरे पास स्लिप है, कह रहा है नहीं स्लिप से कुछ नहीं होगा, दोबारा करना पड़ेगा। कितनी बार आ लिया? मैं आ लिया जी लगभग 3 बार आ लिया जी। यहाँ की बैठी सर, यहाँ पे कल भी 2-3 घंटे भी जाके चले गए घूमने, कुछ नहीं प्रक्रिया हुई, हमारी फीस जमा आएगी, जबकि नेट तो शो नहीं कर रहा है। अब ये अपने स्थान पर किसी ड्राइवर को बिठा कर भी दिखते, 2 घंटे बैठ के फिर गायब हो जाओ, अभी 2 घंटे से हम घूमने। अब यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है? कोई नहीं, ये भी इसकी शायद गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर कब से नहीं है? कंप्यूटर ऑपरेटर कब से नहीं है? 2 घंटे से। श्रम विभाग में आए हो, क्या समस्या आ रही है आपको? ये 2017 की स्लिप दे रखी है मुझे, मैंने फीस जमा करी है तो ये अपडेट नहीं कराया इन्होंने। क्या बोल रहा कंप्यूटर ऑपरेटर? आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर ये बोल रहे हैं कि साहब की गाड़ी ले गए हैं मेरे। कितने टाइम से? आधा घंटा पौन घंटा सारा हो गया। और यहाँ कितने लोग हो गए? यहाँ काफ़ी लोग हैं, इसी समस्या की दिक्कत हो रही है सबको। सबको ऐसी समस्या है जी, वैसे जमा हुई है और अपडेट नहीं कर रहे हैं।